नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर अंकित आपका स्वागत करता हूँ आनव क्रिएशंस में। आज मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें बताएंगे हम लोग कि अपने अब्रॉड के कस्टमर्स को कैसे हेल्प करें आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया आज का जो टॉपिक है वो हेल्पिंग कस्टमर्स अब्रॉड बाय योर प्रोडक्ट्स, विदेशों में ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट खरीदने में मदद कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। विस्तार करने के तकनीकी पक्ष के बारे में हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। अन्य देशों में आपका ऑनलाइन बिजनेस हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने घर के मैदान के बाहर कैसे सोचें और आपको एक चेकलिस्ट देंगे। अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स प्रणाली और भुगतान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स के लिए अनुकूल है। कल्पना कीजिए कि आप बेंगलुरु में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक हैं और आपकी प्रतिष्ठा फैल गई है और आप कुछ पूछताछ करना शुरू कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कलेक्टरों से। आपकी ऑनलाइन बिक्री को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए बेहतर समय कभी नहीं रहा। आइए देखें कि आपको सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। स्टेप वन, भाषा और स्थानीयकरण। हमारे पास इस पर अधिक विवरण के साथ एक संपूर्ण पाठ है, मतलब लेसन है, लेकिन यहाँ मूल बातें ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं जो मुख्य रूप से दूसरी भाषा बोलता है, आपको अपनी साइट का अनुवाद करने की आवश्यकता होगी, मतलब ट्रांसलेट करने की यूज आपको नीड होगी। और यह शायद सबसे अच्छा है कि यह किया जाए एक स्वचालित अनुवाद सेवा की बजाय एक विदेशी वक्ता द्वारा, उसी तर्ज पर स्थानीयकरण करना। अनिवार्य रूप से यह आपको आपके रूपों की तरह सुनिश्चित करने के लिए संदर्भित करता है, जहां ग्राहक सूचना या पूछताछ प्रस्तुत करते हैं और उसको यूज किया जाता है। मान लीजिए कि अन्य देश पते या फोन नंबर लिखते हैं, ठीक है, बट आगे स्टेप टू है भुगतान करना उस चीज को। विभिन्न देशों में अलग अलग पसंदीदा भुगतान विधियां, इसीलिए आपको अपने लक्षित बाजारों में उन्हें शामिल करने के लिए प्रत्येक की जांच करने की आवश्यकता होती है, जैसे पेपल और वर्ल्ड पे जैसे ऑनलाइन भुगतान सेवाएं एक आसान समाधान हो सकते हैं आपके, चूंकि वे दुनिया भर में काम करते हैं इसलिए, ठीक है, आपको ऐसी सेवा चाहिए। याद रखें कि कुछ ग्राहकों के पास क्रेडिट कार्ड तक पहुंच नहीं सकता, इसीलिए उन सेवाएं या यहां तक कि उनके डेबिट कार्ड का उपयोग करना पसंद करेंगे। इसके अलावा एक ई कॉमर्स प्रणाली का उपयोग करें जो अलग अलग के लिए अनुकूल है। मुद्राएं और कर आपके ग्राहकों को भुगतान करने में मदद करते हैं। विनिमय दरों या अतिरिक्त कर के बराबर में बारे बारे में सोचें, बार बार सोचें और उसके लिए आगे बढ़ना शुरू करें। जब किसी ग्राहक को यह गणना खुद नहीं करनी पड़ती है, वह खरीदने की अधिक संभावना है। और अंत में स्टेप थ्री, समीक्षा। अपनी पूरी साइट पर जाने के लिए कुछ समय लें। एक अंतरराष्ट्रीय विजिटर के दृष्टिकोण से सोचें, साइट को निष्पक्ष रूप से देखें और एक विजिटर प्रक्रिया के माध्यम से चलाएं। आपके लक्षित बाजार से खरीदारी करना और आपसे जुड़ने में मदद मिलती रहेगी उस चीज को। क्या यह एक स्पष्ट मार्ग है? क्या परिचित नियम और प्रारूप मुद्राएं भुगतान विधियां हैं? अगर सब कुछ तैयार है तो बधाई, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से वापस आएं। सब कुछ जांचने के लिए काम करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ग्राहकों को विज्ञापन देने में सक्षम होना चाहिए। एक संभावित आकर्षक अवसर आपको मिल सकता है। अपनी उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट बनाना, जहां भी वे हैं, बिक्री में आने वाले किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगा आपके लिए। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।